वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और ये जो आप डिग्गी देख रहे हो जो पीछे, वो बनवाई है मैंने। और ये देखो, यहाँ से पूरा पोर्शन इसका व्लॉग आएगा, अलग से आएगा, तो इसके बारे में अभी फ़िलहाल जिक्र नहीं करते हैं और चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। और अभी जा रहे हैं गुड़गांव, जो कि हमारा मंथली में एक बार चक्कर लगता है वहाँ पर, काम आपको पता ही है। अभी उठाएँगे घर से रमेश अंकल को और पीछे बिठाएंगे उनको और फिर जानेंगे उनका एक्सपीरियंस। तो चलिए चलते हैं। मैं गुड़गांव जा रहा हूँ 2-3 दिनों के लिए। गुड़गांव जा रहा हूँ, गुड़गांव, ठीक है? ओके बाय। ओके बाय। तो ये देखो दोस्तों, ये हमारे गांव का जोड़ा और यहीं पे है रमेश का घर बस नज़दीक। कल मेरे साथ एक छोटा इंसिडेंट हो गया था, शुक्र है बच गया। छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको कि क्या हुआ था। अभी उठाते हैं रमेश जी को, तो चलिए चलते हैं। रमेश जी तैयार हो गए आप? हाँ एकदम ओके, एकदम ओके। चलें तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। तो मैं जा रहा हूँ खारा खेड़ी वाले रोड से, तो अभी मैंने चौपटा है वो क्रॉस कर लिया। बाकी और बताओ गाइस, सब कैसा चल रहा है? सब मज़े में है ना? तो अपना फेवरेट भट्टू वाला पुल है वो आ चुका है, अब इस पुल को क्रॉस करेंगे। यहाँ से पकड़ेंगे खारा खेड़ी वाला रोड जो हमें छोड़ेगा हिसार हाईवे पर। भाई साहब हवा चेक करना यार। हाँ हिसार वाला हाईवे है वो आ चुका है, तो अब हम चढ़ेंगे हाईवे पे और फिर रखेंगे स्पीड को मेंटेन, ताकि अंधेरा होने से पहले हम गुड़गांव पहुंच जाएं। टिक 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 शाबाश। अभी है हम मोड़, अगरुआ मोड़, और यहाँ पर लेंगे राहुल जो हमारे भाई साहब हैं जो गुड़गांव में, तो उनके लिए थोड़ा मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है। उन्हें शायद बुखार की या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, मेडिकल से दवाई उठानी है यहाँ पर। यहाँ पर दवाई उठाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। राहुल के लिए दवाई है वो हमने यहाँ से ले ली। देखो भाई साहब, विदाउट हेलमेट, हाथ में फ़ोन, क्या बात है, वाह मज़े ही मज़े, इनके भी मज़े हैं। हिसार है वो क्रॉस हो गया, अभी अभी हम पहुंचने वाले हैं हासी। और एक बात है, वैसे पीछे थोड़ा बहुत वेट हो ना तो बाइक ऐसे चलती है रोड पे चिपक के, आहा क्या बात है। तो पीछे बैठने में कोई दिक्कत परेशानी? ना कोई परेशानी नहीं। चले एकदम ओके। चले हाँ जी। ओके चलते हैं। तो अभी देखेंगे दोस्तों आगे अच्छा सा होटल कोई, और उस होटल पर बैठ के पिएंगे चाय, बढ़िया वाली चाय। सिरसा वालों का शेरे पंजाब, इस पे पीते हैं चाय। इस पे परांठे बड़े स्वाद मिलते हैं, आप सभी कभी आओ तो जरूर परांठे जरूर खा के जाना। चाय पीने के बाद अब आनंद आ गया, तो चलो बाइक थोड़ी भगाई जाए। ओके कुछ बच्चे खिल उठते हैं बाइक को देखकर, और ये हमने किया रोहतक बाईपास को पार, और बाईपास को पार करते ही हमारा रास्ता आ जाएगा झज्जर वाला,
जहाँ से 25 किलोमीटर हाँ 30-35 किलोमीटर रहेगा, और 30-35 किलोमीटर रहेगा जो कि रास्ता फटेगा गुड़गांव की ओर, और उसके बाद डेस्टिनेशन थोड़ा अंधेरा हो जाएगा, पर आराम से चल रहे हैं वैसे हम, नॉर्मल स्पीड है 80। ये बात ऐसे मैंने पैर किए ऐसे, और अब चलेगी एकदम मस्त बाइक। मच्छर बहुत ज़्यादा थे, हेलमेट के शीशे, हेलमेट के आगे इतने मच्छर लग गए थे कि कुछ दिख नहीं रहा था, तो अभी उसको साफ़ किया, आगे कैमरे को साफ़ किया, और अब चलते हैं यहाँ से। ठंड हो चुकी है अच्छी खासी, पर चलो अपने को क्या है, बस थोड़ा सा आधा पौन घंटा का रास्ता है, मुश्किल से चलते हैं। चले ये मैन लाइट ऑन और ये एक्स्ट्रा वाली लाइट ऑन, अब आएगा मज़ा। व्हाइट हाउस, अरे वाह काफ़ी सुंदर बना है यार, काफ़ी टाइम हो गया वैसे। चांद कितना सुंदर दिख रहा है, आप सभी भी इस चांद की तरह चमकते रहें और हमें भी चमकाते रहें। अपने स्टे पर पहुंचने ही वाले हैं, बस लगभग 10 मिनट या 15 मिनट मुश्किल से लगेगी, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल ही नज़दीक है रास्ता। ये देखो दोस्तों पोल्यूशन, मिट्टी इतनी खतरनाक, ओह शिट यार। ये तो शुक्र है मैंने जैकेट वगैरह वगैरह पहन रखा है, अच्छा हेलमेट पूरा बंदोबस्त कर रखा है। तो गाइस अंधेरे में आपको दिख नहीं रहा, हम पहुंच चुके हैं, और ये देखो यहाँ पे पार्किंग में हमने बाइक लगा दी, और ये है हमारी 20 मंजिला इमारत, एक किधर है, और इधर रमेश जी ने कपड़े वो पकड़ रखे हैं। इधर जाना है अपने को, भूल गए आप रास्ता, इस साइड है। हेलो भाई साहब, कैसे हो? मुझे लगता है आप ऑफिस से अभी आए हो। तो अगले दिन में आपका स्वागत है, कल काफ़ी रात हो गई थी तो हमने व्लॉग है वो वहीं पे बंद कर दिया था। ये 20 मंजिला इमारत है और हम इसके टॉप पे हैं, बाकी की एक्टिविटी मैं आपको दिखाऊंगा, और बाकी चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, ये पार्ट 1 है और अब मिलेंगे पार्ट 2 में। चलिए ओके बाय।